नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कि राहु का और केतु का जो गोचर या राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु जो है कर्क राशि से मिथुन राशि में, केतु मकर राशि से धनु राशि में, इनका राशि परिवर्तन, उसका क्या फल मिलेगा वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा आने वाला समय कैसा होगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि राहु का गोचर या फिर दूसरे भाव में राहु का गोचर, एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरा राशिफल जो है लगन और चंद्रमा दोनों पे आधारित है। जिनको अपनी राशि नहीं पता, मेरा वीडियो देखें, चाहे अपनी राशि कैसे देखें, मैंने पीछे डाला था, उसमें आप अपनी राशि देख के समझ जाएंगे, उसके बाद ये देखिएगा, या फिर आपको राशि अपनी पता है तो आप देखिए। अगर वृष राशि है आपकी, तो वृष राशि में चंद्रमा से दूसरे भाव में राहु का गोचर हो रहा है, ये अच्छे परिणाम नहीं देगा। वृष राशि वालों के लिए आने वाला समय थोड़ा सा पीड़ादायी रहेगा। लेकिन शुक्र का राशि है, वृष राशि शुक्र की है, वृषभ जिसे कहा जाता है, वृषभ राशि शुक्र की है और वृषभ लगन भी शुक्र का है और राहु और शुक्र मित्रता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाला समय आपका मिला जुला रहेगा, ना बहुत अच्छा रहेगा ना बहुत खराब रहेगा। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसका ध्यान रखिएगा और उन चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए। पहले मेरा कहने का मतलब ये है कि वाणी का ध्यान रखिएगा, सोच समझ के बोलिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी होगी। इस समय पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं गुस्सा अत्यधिक आने लग गया, या फिर आप नहीं बोलना चाह रहे तो वो चीजें बोल दी। खासकर धन का नुकसान जो है वाणी को लेके होगा। आप व्यवसाय में मित्रों से गलत वाणी का प्रयोग कर गए, जिससे आपका जो है सम्मान में ठेस पहुंची, या फिर मित्रों ने किसी प्रकार से भी मित्रता टूट जाए, या फिर किसी प्रकार से आपका नुकसान हो, और खासकर वो नुकसान जो है धन को लेके ही इसमें इस समय दिखता है। दूसरी चीज, इस समय पे जो भी आपके पहले से मान ली कोई केस चल रहे थे, मुकदमेबाजी कोई चल रही थी, इस समय वो तेजी आ जाएगी मुकदमे में, और ना कहीं उसमें जो है आपका धन का नुकसान होगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जिससे भी आपने वकील को लिया है, या फिर वो गुमराह करने की स्थिति बनती है, इस समय पे धन को नुकसान दिखता है, और कहीं ना कहीं जिसने भी आपका केस ले रखा है, गुमराह करने की स्थिति बनती है। दूसरी चीज, परिवार में पत्नी के स्वास्थ्य में कमी आएगी, अस्पताल में धन जाएगा, धन व्यय होने की पूर्ण स्थिति बनती है। पंचम दृष्टि से छठे भाव में राहु देख रहा है, कहीं ना कहीं कंपटीशन जो आप फेसिंग करने जा रहे हैं नौकरी में, या फिर थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके जाइएगा, नहीं तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाएंगे। कुछ लोग होते हैं कि बहुत अच्छा करेंगे, मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है उसमें जाते हैं, वो समय नहीं ओवर कॉन्फिडेंस का, अपनी तैयारी करके जाइएगा। उसके बाद जो है ये नौकरी के लिए बदलाव का समय है, मकान बदलने का समय है, नौकरी में बदलाव का समय है। बदलाव भी तभी करिएगा जब चीज़ें बिल्कुल ठोक बजा लीजिएगा, नहीं तो पहले वाली ज़्यादा अच्छी थी, बाद वाली जो है कुछ समय बाद छूट गई, ये स्थिति बनेगी, या फिर छूटी नहीं तो उससे ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, ये स्थिति बनती है। लेकिन एक चीज़ अच्छा है, इस पीरियड में विदेश जाने का योग बनता है। विदेश जाने जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जाना चाह रहे हैं, किसी भी कार्य में इस समय आप योजना बनाइए, वो कार्य आपके सार्थक होंगे। तो तीसरी चीज, व्यवसाय के लिए इस समय अच्छा है, व्यवसाय बदलने के लिए समय अच्छा नहीं कहूँगा, व्यवसाय बदलने के लिए देख दाख के बदलिएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा अगर व्यवसाय आप बदल भी लेते हैं, शुरुआत में अगर दिक्कत होती भी है, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, और धैर्य के साथ, नहीं तो ये 6-8 महीने में जो है आपने बंद कर दिया काम खत्म, ये मत करिएगा, नहीं तो व्यवसाय इस समय जो है मत करिएगा, ये धैर्य आपको रखना पड़ेगा इस समय पे। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए खासकर एक चीज़ और मैं इसमें कहना चाहूँगा, विद्यार्थियों से पहले ये समय अगर आप नशा करते हैं, एडिक्शन जो करते हैं, तो थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, नहीं तो ये नशा बढ़ा देगा। आप देखेंगे कि आपका नशा जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, महीने भर पहले कम था, इधर ज़्यादा है। माता पिता से मैं कहूँगा अपने बच्चों का ध्यान रखें, इस पीरियड में किसी गलत आदतों में ना पड़ें। ये राहु का गोचर जो है दूसरे भाव में ये दिखाता है, नशे को बढ़ावा देता है, नशे में थोड़ा सा अपने आप को दूरी बना के रखिए। विद्यार्थियों के लिए समय उपयुक्त है पढ़ने के लिए, लेकिन भटकाव की स्थिति पैदा होगी, भटकिए मत, पढ़ाई पे ध्यान रखिए, और अपना काम जो है प्लानिंग में करिए। अगर आप प्लानिंग करते हैं, राहु चीज़ों को बिखेरता है, उसको प्लानिंग पसंद नहीं है, वो तो कहता है कि
9 बजे का पढ़ने का समय है या फिर 9 बजे स्कूल जाने का समय है, तो कहीं ना कहीं पेट में दर्द करा देगा। कहीं कहेगा क्या, स्कूल मत जाओ, बंक मार लो, पिक्चर देखने चलते हैं, ये दिमाग में डाल देगा। अपनी प्लानिंग को मजबूत रखिएगा, ये राहु का काम है चीजों से उखेड़ना। राहु अगर पंचम भाव में बैठ जाता है जहां से शिक्षा देखा जाता है, ठीक है, कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिसमें शिक्षा आदमी ग्रहण कर लेगा लेकिन शिक्षा के संबंधित लाइन में कभी नहीं जाएगा। पढ़ाई की, लॉयर की पढ़ाई उन्होंने लॉयर की और सिविल का काम कर रहे हैं। सिविल की पढ़ाई की आपने, इरिगेशन का काम कर रहे हैं, सिंचाई का काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। राहु का काम ही यही है। शिक्षा, अगर शिक्षा भाव में बैठा हुआ है तो शिक्षा से दूर इतर किसी चीज में डाल देना, ये राहु का काम है। बाकी वृषभ लगन और राशि वालों की ये साल जो है बहुत अच्छा नहीं जाएगा, मिला जुला साल जाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। केतु की इशारा ये कहता है कि स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, मन अखड़ रहेगा, मन उदास रहेगा, मन को थोड़ा सा मजबूत करें और समय को निकालें, और कोई भी व्यवसाय या फिर नौकरी का परिवर्तन करते समय थोड़ा सा ध्यान दें। और विवाह के लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त नहीं है। विवाह, जिनका विवाह के लिए बढ़ रहे हैं आगे, वो थोड़ा सा अगर कोशिश करें इसकी दशा की बात करें, ज़्यादा इस गोचर की बात करें ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो थोक बजा के कुंडली मिलवा के तब विवाह करें। बाकी ओवरऑल ठीक है, समय बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, ठीक ठाक सा जो है, ना अच्छा ना खराब, मिला जुला फल।